जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, बीए के बाद हम एमए करें या फिर बीएड करें, दोनों में से कौन सा कोर्स बेस्ट रहेगा, क्या हमें करना चाहिए या दोनों कोर्स कर सकते हैं, तो ये कमेंट बॉक्स में बहुत ज्यादा पूछा गया है। तो साथियों, आज मैं आपको पूरी डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि आपको बीए के बाद में बीएड करना चाहिए या फिर आपको एमए करना चाहिए, दोनों में से कौन सा कोर्स आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो साथियों, यदि आप भी जानना चाहते हैं तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरीके की एजुकेशनल वीडियो लाता रहता हूँ। तो साथियों, यदि आपने बीए किया है और उसके बाद आप कंफ्यूज हैं कि आपको बीएड करना चाहिए या फिर एमए करना चाहिए, तो हम पहले बात करते हैं बीएड। यदि आप बीए के बाद में बीएड करते हैं तो उसके क्या बेनिफिट हैं? तो साथियों, यदि आपने बीए के बाद में बीएड आप करते हैं तो बीएड आपका बीए के बाद 2 साल का होगा। उसके बाद में आप जब बीएड कंप्लीट कर लेते हैं तो हर साल एग्जाम कंडक्ट होते हैं, साल में 2 बार आपका, जैसे सीटेट है और आपके जो स्टेट वाइज एग्जाम है उनके, जैसे आपका बात करें यूपी में तो यूपी टेट हो गया, हरियाणा में बात करें तो एसटेट हो गया, यदि राजस्थान में बात करें तो रीट हो गया। तो बीएड करने के बाद आप अपने जो टेस्ट हैं उनको आप दे सकते हैं, और उसमें यदि आप अच्छे मार्क्स ले आते हैं तो आपके जो स्टेट में वैकेंसी निकलती है जो प्राइमरी लेवल के टीचर की और 8 क्लास तक की, तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं एज अ गवर्नमेंट टीचर के लिए, या फिर हम यूं कहें जो प्राइवेट स्कूल है उसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं एज अ टीचर के लिए। बीएड अब कंपल्सरी कर दिया कि बीएड आप होने चाहिए। साथ के साथ आपको बताते हैं, ये हो गया आपका बीएड करने के बेनिफिट, यानी कि आप गवर्नमेंट टीचर बन सकते हैं, प्राइवेट स्कूल में आप टीचर बन सकते हैं। अब इसमें यदि आप बीए के बाद में बीएड करते हैं तो साथियों याद रखिएगा, जो बीएड जो आपका होता है वो बैचलर डिग्री होती है, ना कि आपका पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होती है, यानी कि आप जो है ग्रेजुएट ही रहेंगे, पोस्ट ग्रेजुएट में आप नहीं आएंगे। अब हम बात करते हैं एमए की। साथियों, यदि आप एमए करते हैं, अपने किसी भी एक सब्जेक्ट से आप एमए करते हैं, तो एमए करने के बाद आप क्या हो जाते हैं? मास्टर, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट हो जाते हैं। अब पोस्ट ग्रेजुएट यदि आप हो जाते हैं तो उसके बाद आप यूजीसी नेट का एग्जाम दे सकते हैं। यूजीसी नेट का एग्जाम आप, यदि आप यूजीसी नेट का एग्जाम क्लियर कर लेते हैं तो फिर उसके बाद आप जो एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज या यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बन जाते हैं, टीचर बन जाते हैं। या फिर यदि हम बात करें, आप यूजीसी नेट का एग्जाम क्लियर करने के बाद में आप उसमें अच्छा स्कोर करते हैं तो आप एज अ पीएचडी भी अपना कर सकते हैं, रिसर्च की तरफ आप जा सकते हैं, आपको जूनियर रिसर्च फेलोशिप मिल जाती है, यानी कि हर साल आपको हर मंथ में आपको पैसे मिलेंगे क्या करने के लिए, पीएचडी करने के लिए, यदि आप अपना अच्छा स्कोर कर लेते हैं यूजीसी नेट के अंदर। अब बात करते हैं साथियों, ये मैंने आपको बता दिया बेनिफिट आपको, अब बात करते हैं कि दोनों में से कोर्स आपको कौन सा करना चाहिए। तो साथियों, मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप अपना बीएड करें रेगुलर में और अपना एमए भी साथ के साथ करें, आप दो कोर्स आप कर सकते हैं। इसके लिए जो यूजीसी ने प्रावधान दे दिया है कि आप 2 डिग्री कोर्स एक साथ कर सकते हैं, बस उसमें आपको रखना क्या है कि जो आपका बीएड होगा वो रेगुलर होता है और आप एमए जो है अपना प्राइवेट कर सकते हैं, डिस्टेंस से कर सकते हैं, वैल्यू एकदम बराबर होती है, बस आपको ध्यान ये रखना है कि यूनिवर्सिटी आपकी सही होनी चाहिए। तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप अपना बीएड रेगुलर करें और साथ के साथ अपना एमए जरूर आप डिस्टेंस या प्राइवेट से जरूर अप्लाई करें। तो साथियों, आपको जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और यदि अभी भी आपको कोई कंफ्यूजन है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं उस पर वीडियो बनाने की, आपको आंसर करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए साथियों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ इसी तरीके की जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।